नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। शहर की स्थिति कैसी है? लॉकडाउन का छठा दिन है और कैसी स्थिति है उसी के लिए हम निकले थे। और यहाँ पर हम सूरसैनी धर्मशाला है, सैनी धर्मशाला के नाम से विख्यात है, और यहाँ पर हम पहुँचे। सुनने में आया था 25 मजदूर रात को यहाँ पर आए थे। उनकी किस तरह की व्यवस्था है, क्या उनके कोई समस्या सामने आ रही है, वही हम चेक करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और आपको अभी दिखाने वाले हैं किस तरह की स्थिति में वो सब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल, हमारे पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, और वहाँ शायद वो मजदूर है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को एक बार वो दिखाएं, शायद वही वो हैं जो मजदूर, जो शायद इनसे हम जानेंगे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ इनको जाना था, और किस तरह की स्थिति में आए थे और किस तरह की स्थिति में अब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। मोहम्मद कामिल जी, कहाँ से आए थे आप लोग? नरवाना से आए थे। नरवाना से? हाँ जी। तो वहाँ से पैदल पैदल आप चल रहे थे? पैदल पैदल आए थे, यहाँ रुकने के लिए आए थे, बस आराम कर ले, थक गए थे सारे सारे लोग। रुकने, रुकने आराम करने आराम के के लिए लिए रुके आए थे। थे। तो फिर कैसे, कौन आपको यहाँ पर लेकर आया? ये प्रशासन वाले लाए थे जी, बोले आराम कर लो, सुबह निकल जाइयो। जी, उसके बाद बोले कि अब थोड़ा लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो तब भी था लेकिन मजबूरी थी, यूपी की बसें चल रही थी, तो बोले हम भी निकल जाएंगे पैदल पैदल, वालों कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन रोकता तो पीछे से रोक के चलता ना, वहाँ से आते जाते चलते रहे साथ साथ। जी फिर अब तो सारे लॉकडाउन हो गया, इस वजह से अब यहाँ खाना पाना मिल रहा है ठीक, कोई जी दिक्कत नहीं, जी रहने की व्यवस्था भी तो ठीक अब है। जाने को लेकर क्या जाने को सोचते हैं लेकर आप ये लोग? सोचते हैं कि साहब जैसे भी सुविधा हो वैसे हमारे साथ हेल्प करी जाए कृपया, क्योंकि जी, हम जाना घर चाहते हैं, किसी घर कोई दिक्कत है, तो बीमारी प्रशासन है। से जब आपने कहा कि आप घर जाना चाहते हैं, तो उनका क्या रवैया था आपको लेके? रवैया बस वही बोलते हैं, आज भेजेंगे कल भेजेंगे, और बसें यहाँ से जिनसे भी गई थी, कल भी गई थी 25 बसें, जी, हरियाणा से भी गई थी वो। कितने लोग हैं आप? हम 25 लोग हैं, 15 एक जगह पर हैं, यूपी के एक जगह 10-20 किलोमीटर का दायरे के हैं, 15 जी एक जी ही जी गांव के हैं, बाकी जी अलग जी के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात हुई आपके जाने से लेके। अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर रुके हुए हैं, खाने की व्यवस्था किस तरह से है आपकी? खाने की व्यवस्था आज तक तो खाना वैसा आ रहा था, जो जो भी लोग सहयोग कर रहे थे देके जा रहे थे, अब ये खाना कच्चा राशन ला के दे दिया, ऐसा बनाओ और खाओ। अच्छा, अब आपको खुद बनाना है? हाँ जी। जी, तो क्या अब आप खुद बनाएंगे? और यहाँ पर नहाने धोने की व्यवस्था है आपके? नहाने धोने की व्यवस्था है, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करें, साबुन वाबुन लाए थे, साबुन के लिए बोले साबुन मिलेगा ये मिला कुछ नहीं मिला, अपने पास से ही इकट्ठे करके 10-20 रुपये सामान वामन कुछ व्यवस्था करी थी नहाने धोने तो के लिए। प्रशासन ने आपको साबुन वगैरह वगैरह कुछ भी जो जरूरत की चीजें वो नहीं लाके दी? ना जब अपने पास से लाए थे हम, तो जब ला के नहीं अपने दिए पास से तो लाए, बोला भी था साबुन भेज दियो, ये भेज दियो, वो भेज दियो, खाली एक मास्क ला के दिए हैं मात्री के मुँह पे, मास्क दिए हैं और सैनिटाइजर दिया गया आपको? फर्स्ट सैनिटाइजर दिया था फर्स्ट वाले दिन। वाले दिन। आज कौन सा दिन है आपका? आज तो क्या तीसरा दिन है तीसरा जी। दिन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि वो यहाँ कुछ देर रुकना चाहते थे, प्रशासन ने यहाँ रोक लिया, अब वो व्यवस्था कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रशासन ने अभी लंबी चौड़ी कोई व्यवस्था उनके लिए की नहीं है, और वो जाना चाहते हैं। कहते हैं कि जीन से जब गाड़ियाँ निकली हैं, तो गाड़ियाँ इनके लिए भी हो सकती थी, ये भी अपने गंतव्य की ओर निकल जाएं। अब ये तो हम जब भी SDM साहब हमें मिलते हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या, क्यों वो इनको जाने की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, या करना नहीं चाहते हैं, या उनको लॉकडाउन तक यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो बने रहेगा आप हमारे साथ, हम मिलने वाले हैं अपने प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। घरों में नज़रबंद हैं युवा, बड़ा मुश्किल है उनके लिए टाइम पास करना, छतों पर खड़े हैं, बड़ा मुश्किल सा टाइम है, टाइम पास नहीं हो रहा। यहाँ आप देख सकते हैं महिला उपले, अपने जो उपले हैं क्योंकि उन्हें खाना भी बनाना है, वो लेके आते हुए देख सकते हैं। ये विश्वकर्मा मोड़ से पुराना बस अड्डा, थोड़ी सी चहल पहल यहाँ कुछ ज़्यादा ही। आइए दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का मिजाज। आप देख सकते हैं किस तरह के मेडिकल यहाँ पर खुले हैं, मेडिकल स्टोर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ ज्ञानी राम हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। किस लिए इतनी चहल पहल है? बस भाई जी जी। अब हम SDM दफ्तर की ओर चल रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। चल भाई छोरे खींच ले।
जीव रिकॉर्डिंग करू ना जीव मध्यम कर ले अगर दिल्ली की डायरी तो रहा ना। हाँ दिल्ली की डायरी में लाना मुझे दूध लेना है ले लेंगे खर भरोसा तो कौन ले ले तू जब रनर अब नहर पर नली कराएंगे मैं टिल्लू की डायरी का बना लूंगा और टिल्लू की डायरी का भी देखूं यहाँ पे मैं। हाँ देखिए।